हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैंगो और सूजी का हलवा बना रहे हैं जो बहुत टेस्टी बनेगा। इसको बनाने के लिए मैंने एक मैंगो लिया है, इसको मैंने छील लिया है। अब हम मिक्सी के जाल में डालकर इसको पीस लेंगे। हमने मैंगो को पीस लिया है और कटोरी में निकाल लिया है। अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। गैस को हमने लो फ्लेम में कर रखा है। अब मैंने इसमें आधा कटोरी सूजी डाली है, लगभग 100 ग्राम सूजी होगी। अब लगातार चलाते हुए हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हम इसको 5 मिनट रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा जब तक हम इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हम सूजी को लगातार ही चला रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आप ये हलवा ज़रूर बनाकर खाएं। ये बहुत ही अलग से बनेगा, ये लगेगा ही नहीं सूजी का हलवा है, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। लगभग हमने 5 मिनट सूजी को भून लिया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो मैंगो पीस के रखा था हम वो डाल देंगे इसमें। अब सूजी को और मैंगो को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यह हलवा बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बच्चों के लिए भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैंने एक गिलास दूध लिया है, अब हम एक गिलास इसमें दूध डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, अभी आधा गिलास डाला है इसमें। अब थोड़ा दूध को हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। बचा हुआ दूध हम थोड़ी देर बाद में डाल देंगे। हम लगातार ही चलाते रहेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स नहीं रहेगा। अब हमने बचा हुआ दूध भी इसमें डाल दिया, मैंने एक ग्लास पूरा डाल दिया इसमें। अब हम इसको टाइट होने तक पका लेते हैं। हमारा हलवा टाइट होने लग गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा और टाइट होने तक हम इसको पका लेंगे। हमने हलवे में एक चम्मच घी और डाल दिए। अगर आप कम घी का खाना चाहते हैं तो आप घी नहीं डालेंगे। घी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे थोड़ी सी, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब किशमिश को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गार्निश के लिए कटोरे में इसको डाल देंगे। इस कटोरे में हम निकाल लेते हैं इसको। हमारा हलवा खाने के लिए तैयार है। आप इस हलवे को ज़रूर बनाइए, खाइए।